लेसन 5 का क्लास 12 का वैद्युच्चारण वैद्युधार चैप्टर का 8वां पार्ट आपको हम दे रहे हैं। इसमें आंकिक प्रश्न दे रहे हैं जो इन सूत्रों पर आधारित हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक हम आपको सवाल दे रहे हैं, जैसे यही देख लीजिए, यही सवाल आप देख लीजिए कि किसी बल्ब के फिलामेंट का बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री पर प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है ना। यानी एक टेम्परेचर आपको दिया गया है 100 डिग्री, उसमें प्रतिरोध को 100 ओम कहा जा रहा है, ठीक है। फिर बोला गया कि उसका ताप गुणांक यानी अल्फा 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। एक नया प्रतिरोध है जो 200 ओम हो जाए, ये कह रहा है कि किस उस ताप की गणना करो जिस पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाए, है ना। देखिए, ताप की गणना करनी है आपको, उसका प्रतिरोध कितना हो जाए, 200 ओम हो जाए, ठीक है। ये आपको टेम्परेचर बताना है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर आप सवाल को करना चाहें तो सिंपल सूत्र में भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। जैसे आप ये कह सकते हैं कि R100 - R0 = 100 बराबर होता है T। ये एक फार्मूला है इसका, आपका इस सूत्र से आप नहीं लगाना चाहते तब आपके पास ये फार्मूला है आपका RT = R0 1 + αT। इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन को आप फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, हम ये भी बता देते हैं। अब इसको ज़्यादा चाहिए पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 डिग्री का टेम्परेचर आपको नहीं दिया गया। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे RT है मेरा, तो अगर हम 100 ओम R को लेंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे, R0 कुछ नहीं लिखेंगे, 1 + α यहाँ कितना लिखेंगे, 100 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में जब हम जाएंगे, दूसरे कंडीशन में मतलब जब 200 ओम हो तो T, तो हम इसमें क्या करेंगे, किसको हम कर देंगे 200, ये हो जाएगा R0 1 + α × T, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर हम दोनों को भाग दे दें, यानी 1 और 2 समीकरण को भाग दे देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि 100/200 बराबर R0 1 + α × 100 बटे R0 1 + ठीक है 1 + α × T। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 100α / 1 + α T, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 200α बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 1 + α T। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आ सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। इसको इस साइड ले जाइए या इसको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर α T - 200α, ठीक है। इसको इस साइड ले गए तो ये 1 बराबर हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लें तो T - 200, ठीक है। अब हम क्या करें कि T - 200 अगर कर रहे हैं तो 1/α होगा, और अल्फा का मान उसने दे के रखा है, है ना। देखिए, अल्फा का मान उसने दिया है 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि T - 200 कर दिए, और ये अल्फा जो हम रखेंगे 0.005, यानी T - 200 बराबर ये ऊपर 1000 हो जाएगा, ये दशमलव की जगह 1 लगा के 3 शून्य बढ़ा देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 × 2 = 10, 200 हो गया, ओके ना। तो टी बराबर हो जाएगा 200, ये था 200 इधर का चला गया, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर हो गया। ये आपका सवाल हुआ। अब हम देखिए दूसरे सवाल पे अगर हम जाते हैं,
दूसरा सवाल अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं, जैसे एक सवाल ये है आपके लिए, तो इसमें हमने किया क्या है कि किसी तांबे की, किसी तांबे के चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल मतलब ए कितना, 3×10⁻¹। इसमें 4.8 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी आई कितना, 4.8 एम्पीयर है ना। अब आपको निकालना धारा घनत्व, यानी आपको क्या निकालना है, जे। आपको पता है कि जे बराबर जो होता है, जे बराबर आई अपॉन ए होता है ना। तो जे बराबर आई हो जाएगा 4.8, ठीक है, बटे 3×10⁻¹। हो गया ना। अब देखिए इसको 4 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4.8×10⁻¹ बटे 3। 3 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 × 3, 3×6, 18, 10⁻¹। ये हो जाएगा धारा घनत्व। अब इसको इसी से आप सूत्र बना, से मात्रक बना सकते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, अगला सवाल हम एक नए स्टेप पे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपको नया भी मिले, क्योंकि आपका परिवर्तन होता रहे कि आपको सवाल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने सवाल दिया है आपको कि ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें RR के प्रतिरोध लगे हैं और AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सर्किट में ध्यान से देखिए आप कि सर्किट में जो आपका कंडीशन बना हुआ है उसमें ये समांतर है और ये भी समांतर है, यानी ये समांतर और फिर दोनों श्रेणी। अगर हम एक को मान लीजिए हल करते हैं, इन दोनों को अगर हम हल कर रहे हैं, इन दोनों को केवल अगर हम हल कर रहे हों तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए। तो हम कर लेंगे समांतर के लिए क्या होता है सूत्र, ये होता है R1 R2, ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे हम R डैश लगा करके यहाँ पे लिख सकते हैं RR, यानी हम यहाँ कर सकते हैं 2/R, यानी R डैश बराबर आएगा R/2। क्लियर हो गया। अब दूसरी वाले में देखते हैं, जैसे हमने ये हल कर दिया, तो हल कर दिया तो हमारा इसका एक चित्र बन जाएगा हमें R/2 का, और बाकी ये दोनों अभी बाकी है ना। तो इन दोनों का भी हमारा समांतर ही है, तो R डबल डैश भी इसी प्रकार कितना आ जाएगा R2। जब ये आ जाएगा तो ये दो ठो जो बने, यानी इसकी वजह से ये जो कट के बना R/2 हो करके कंप्लीट हो, और ये R/2, यानी इन दोनों का किए तो R/2, इन दोनों का किए तो R/2, अब किस क्रम में है, श्रेणी। तो AB के बीच अगर हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, AB के बीच हम प्रतिरोध ले रहे हैं, तो अब ये दोनों श्रेणी हैं, तो R डबल डैश लेंगे तो ये हो जाएगा R/2 + R/2, यानी 2R/2, यानी R ट्रिपल डैश बराबर केवल R, आंसर होगा ये, ठीक हो गया। ये आपका सवाल रहा, ठीक है। अब देखिए अब नया सवाल देखते हैं हम लोग, एक सवाल ये देखिए आप, ठीक है, इस सवाल को देखिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पेपर क्यों लगा रहे हैं, जब हम क्वेश्चन लिख देंगे तो फिर वो मिटने लगता है, इसलिए हम पेपर लगा के कर रहे हैं कि आपको कम से कम कंफर्म रहे, ठीक है। इसमें हमने लिखा है कि एक बेलनाकार तार खींच कर लंबाई 10% बढ़ाते हैं, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की है ना, और इस तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। जैसे देखिए आर किसी में भी अगर लंबाई में गुना वृद्धि करते हैं तो उसका सूत्र होता है R1 और 1+R/100 का वर्ग। एक सूत्र हम गुना में और दिया करते थे, इसी को हम ऐसे भी दे सकते हैं कि 1+R/100 का वर्ग गुणे R1, ये भी दे सकते थे, ठीक है। इसको हम गुना में एक और सूत्र दिया करते थे N²R1 का। यहाँ पे परसेंट वृद्धि मतलब R का मान दिया है, R का मान कितना दिया उसने, 10%। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको रियल में चाहिए क्या, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। अगर प्रारंभिक प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध प्रारंभिक है, ये अंतिम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर प्रारंभिक का भाग देकर गुणे 100 जो निकालेंगे वही होगी प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। हो गया समझ में आ गई बात, यानी आपको सब मिला के इसका मान निकालना है। अब इसको ठीक से समझिए, हमने आपको ये कहा जो ये सूत्र हमने दिया है इसी सूत्र पे हम आपको लगा रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम इसको करें तो आर टू बट्टे बराबर आर वन, ये 1 + 10/100 क्लियर हो गया, आर की जगह हमने रखा है, ये कट गया तो हमारा ऊपर आ गया 11/10 R1 = R2, ये भी ठीक लग रहा होगा आपको। अब देखिए और हम क्या कर सकते हैं, R2 / R1 अगर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 11/10 यानी 121/100, ठीक है इतना। अब हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे कर लिए ओहो R2, यहाँ R2 / R1 हमारा जो आ जाएगा 121/100 आया। हमें ये निकालना है ना, हमने ये निकालना है, यानी हम पहले ही अगर इसको लिख दें, मान लीजिए लिख रहे हैं बस और कुछ कर नहीं रहे, तो अब इसके पैरेलल आप जो है सोचिए जरा सा, आर टू का मान कितना है 121, आर वन का मान कितना है 100, और आर वन का मान फिर कितना है 100, और ये गुणे क्या हुआ 100, यानी यहाँ से घटाएंगे तो 21/100 गुणे 100 कट गया, यानी 21% आपका प्रतिशत वृद्धि कितनी आ गई, 21% की वृद्धि हो जाएगी प्रतिरोध में। क्लियर, चलिए और देखते हैं। एक सवाल ये देखिए, ये सवाल है आपका प्रतिरोध संबंधित, समझा रहा है, इसमें इस तरह का सवाल हम संधारित्र वाले में हल कराए थे, जब संधारित्र को पढ़ा रहे थे हम सवाल को, तो उसमें हम हल कराए थे। इसमें बोला एवी के भी तुल प्रतिरोध बताओ। देखिए हम आपको उस समय भी बताए थे कि अगर इस तार को हम समझें तो ये तार दोनों यहाँ इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी एक तार को अगर हम ऐसे लगा दिए तो दूसरा घूम करके ये तार बनाता है और इधर का घूम करके ये बनाता है, यानी ये दोनों आपके ए और बी हो गए। अब बीच वाला 3 हो गया, इधर वाला 2 हो गया, इधर वाला 4। अब ये देख के बताइए कि कौन सा क्रम बना रहा है, समांतर, समांतर बना रहा है, कंफर्म है। तो समांतर के लिए जो रेजिस्टेंस में सूत्र होता है वो होता है R1 R2, अब जय प्रतिरोध, जैसे 3 है तो 3 लगाइए, है ना, 3 R2 और R3, इसमें कोई और है ही नहीं, इसको R में ही ले लीजिए, तो ये 4, ये 3 और ये 2। एलसीएम लेना है तो लीजिए, एलसीएम ले सकते हैं, कितना ले लें 12, तो 4 × 12, 3 × 12, 2 × 12, यानी अब आपका आ गया 6 × 10 = 13/12, यानी R बराबर हो जाएगा 12/13 ओम, आंसर होगा ये। क्लियर हो गया, ये आपका सवाल निकल गया। अगला सवाल एक और देते हैं हम आपको, ये देखिए अगला सवाल है आपका, इसमें लिखा है एक प्रतिरोध, एक चालक है, यहाँ पे चालक का प्रतिरोध कितना दिया गया है 100 ओम, यानी R का मान कितना है 500 ओम, सॉरी बोला विद्युत चालकता क्या होगी, चालकता मतलब सिग्मा ले ली, होता तो वैसे विशिष्ट चालकता की है लेकिन कोई साइन देना ही है हमें तो हम ये ले लेते हैं, इसी को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता, सॉरी विद्युत चालकता, ठीक है। तो अब सिग्मा बराबर होता है 1/R, यानी विद्युत चालकता जो होती है वो प्रतिरोध की उल्टा होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो जाएगा 500। 500 का मतलब क्या हुआ, 1/5, इन दोनों को ले जाकर रखेंगे तो -2, यानी सिग्मा बराबर 0.2 × 10⁻²। आप ये भी कह सकते हैं कि 2 × 10⁻³। अब ओम होता है प्रतिरोध का, अब चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया, एक और सवाल देखना चाहें तो देख लें, थोड़ा सा इस सवाल में समझना भी पड़ेगा आपको क्योंकि जगह भी कम है। चलिए देखते हैं, कर ले जाएंगे इतने में हम लोग, ठीक है।
यहाँ देखिए ये सर्किट आपका बना हुआ है, इसमें बोला गया है कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बताइए। एक बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक से समझिएगा, यहाँ का विभवांतर आपसे पूछा है। ये विभवांतर तभी निकलेगा जब इस परिपथ की धारा आपको निकल के आएगी, यानी इस परिपथ की धारा जब लाएंगे तब आप लगाएंगे भी बराबर आई आर और तब जाके ये सवाल हल होगा। यानी सबसे पहले परिपथ की धारा चाहिए और परिपथ की धारा के लिए परिपथ का प्रतिरोध चाहिए, यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिपथ का प्रतिरोध किस क्रम में है, किस क्रम में है आप बताएं, किस क्रम में है आप बताएं, केवल ये है आपका श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होता है वो होता है R1 R2 R3। हम 3 इसलिए लिख रहे हैं कि 3 ठो हैं, तो R डैश बराबर हो जाएगा 4 3 2 7 2 9, परिपथ प्रतिरोध हो गया। अब क्या करिए, परिपथ प्रतिरोध परिपथ हो गया, अब परिपथ का धारा निकाल लीजिए। परिपथ धारा का क्या कंडीशन होता है, उसका कंडीशन यही होता है कि परिपथ का विभव और परिपथ का प्रतिरोध। तो परिपथ प्रतिरोध आया 9 और विभव कितना है 50 वोल्ट, है ना, तो ये 50/9 यानी I बराबर हमारा हो जाएगा 50/9 वोल्ट। चूंकि हम इसको हल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इसके सिरों का विभवांतर चाहिए, तो हम अभी हल्के कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको जो आंसर देना है उसी भी चले जाएं। अब हमें निकालना है 2 ओम के सिरों का विभवांतर, ठीक है, ये निकालना है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अब 2 ओम के निकालना है तो भी बराबर आई आर तो कन्फर्म है। अब यहाँ पे किसके बीच का निकालना है, 2 का, तो धारा कौन सी जा रही है 2 में, 2 में धारा जा रही है ये मुख्य वाली धारा, यानी कौन सी धारा, 50/9 की। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 50/9, यानी ये हो जाएगा 5 × 10 100/9, यानी कि 9 × 9 9 × 9 होगा ना, देखिए 10 फिर आया फिर 10 आएगा, ये हो जाएगा वोल्ट। क्लियर हो गया, यानी कि 2 ओम के सिरों का जो विभवांतर आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। धन्यवाद, इतना बहुत हो गया आज का। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ पे जो हमने वोल्ट लिखा है दरअसल ये एम्पियर है, बाद में हमने एम्पियर लगाया भी है, ठीक है, बाकी उसके बाद आपका ठीक है। धन्यवाद।